जी, तो ये आपकी माता जी हैं? हाँ, ये मेरी मम्मी है। अरे वाह, तो 87 इनका एज रनिंग है। कितना? 87 जी। एक साल से वो नमन कर रही है क्योंकि हवन कितने से कितने एक साल से एक साल से नमन कर रही है, दरबार से जुड़े हैं। हवन नहीं कर सकती, धुआं आता है ना जी जी, तो उसको अस्थिमा का ऐसा हाँ, हाँ, बोला का था। हालांकि अस्थिमा ऐसा कुछ है ही नहीं, और अच्छा। अभी वो कुछ पंप और कुछ भी नहीं ले रही। अच्छा, नमन से उसको नमन से इतना आराम मिला है। मिलने के लिए आई और मैं उसके लिए नहीं, तो मैं तुम दिसंबर में मैं जाने वाली थी, इसके लिए मैं स्पेशल इधर आई। वाह वाह, मतलब एक बार तू मिल ले वहाँ पे, पता नहीं कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं आज गुरुदेव का मुंबई में आगमन है, ये सारे भक्त लोग दरबार के आए हुए हैं और गुरुदेव से मिलने के लिए लाइन लगी हुई है, और उसी में से एक हमारे बीच बाबा के एक भक्त मिले, तो इनका अनुभव इतना जबरदस्त है। ये आंटी को आप देख सकते हैं 87 इयर्स की हैं और नमन कर रही है एक साल से, और एक साल में इनका पंप छूट गया। वाह, और क्या क्या तकलीफें थी? मुझे तो 6 महीने में जैसे लाइफ ही सेटल हो गया। वाह, तो बाबा हैं, पूर्ण गुरु हैं, तो होना ही है, होनी चाहिए एकदम एकदम। और कहाँ से हैं, मतलब आप लोग मुंबई में कहाँ से? वाशी से, वाशी नवी मुंबई से। शुभ नाम क्या है आपका और आंटी जी का? इसका नाम है सरिता शेट्टी। सरिता शेट्टी, और आपका? क्षमा पोरेकर। क्षमा पोरेकर, मैं बेटी हूँ इनकी। जी जी जी, तो अभी हवन नहीं किया, नमन कर रहे हैं, और नमन से इतना इनको फायदा मिला है। कानपुर में जाना है, एकदम लेके आइए दरबार में, अगर तो दरबार के वीडियो अच्छा चलती है पूरा। अच्छा, सोसाइटी में 5-5, 7-7 राउंड लगाती है। ओ वाओ, 87 की एज में। हाँ, और नमन से एनर्जी इतनी ज्यादा मिली है, सोचिए। बेग इधर रख देते हैं, हम भी आपसे हाथ मिलाना, हाथ मिलाना चाहते हैं, हम माता जी के पैर छुएंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आंटी से मिल के, क्योंकि इनका एज देख रही हूँ मैं 87, और नमन से इनको इतना सारा फायदा हुआ है। सेकंड फ्लोर पे आप रहते हैं? नहीं, 6 फ्लोर पे रहती है। 6 फ्लोर पे? हाँ, लिफ्ट है। अच्छा, लेकिन वो हवन करना चाहती थी, तो मुझे वो टेंशन था, हवन नहीं करेगी कैसा होगा कैसा होगा। लेकिन आज बाबा जी अपने इधर आए, इसका दर्शन हो गया, हमें अकेले क्या। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरुदेव के चरण कमल इस पावन, आपका जो मुंबई ये पावन हो गया है, और उतने नज़दीक में आप लोग को ये मौका मिला है। नहीं तो लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ तक कि बाहर देश से लोग आते हैं उनके दर्शन के लिए। तो आपके तो वीडियो से इंस्पायर हूं, मैं अकेली गई थी, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं आई, रिक्शा वाले से लेके वहाँ पे मुझे रूम मिल गया, और पूरा फ्लोर पे मैं अकेली थी वो जी जी जी। नवंबर में गई थी, 21 नवंबर को जी, और 29 को वापस आई गुरु जी से मिलकर। लेकिन अच्छा हुआ सब, लेकिन पॉजिटिव है, कुछ टेंशन की बात नहीं है। अभी नमन से इतना अच्छा हुआ, जब आप दरबार की प्रक्रिया अपनाएंगे ना, चाहे आप वनडे चिकित्सा करें, चाहे आप अपना नव हवन जो नॉर्मल हवन होता है वो आप करें, उससे देखना और परिवर्तन इनके शरीर में आप देख पाएंगे, बहुत कुछ परिवर्तन होगा। अभी तो नमन से इतना इनको आराम मिल गया, ये भाव है आपके, भाव है, डीएनए अलग है ना। हाँ, तो लेकिन ना कुर्सी में बैठ के ये करेगी, अगर आप चाहो ना तो आप कर सकते, इनका संकल्प लेके आप भी कर सकते, लेकिन आपके हवन हुए होने चाहिए। मैंने पूरा, हाँ, तो आप संकल्प लीजिए, इनका कर सकते हैं, गुरुदेव कई बार कर, ये तो अच्छी बात है, यही दरबार में आना चाहती है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, गुरु के दरबार जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों के अनुभव जान के, और खास करके मुझे आंटी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, और देखो इतना इतना एनर्जी इनके अंदर मुझे दिख रहा है इस समय भी, इतनी एनर्जी से भरी है। एक साल हो गया वो हॉस्पिटल नहीं गई, डॉक्टर के पास फॉलो अप, जस्ट वो भी 6 महीने में, अभी एक बार जा नहीं रही तो है। इस जो नहीं तो महीने में 3 बार जाती थी जी जी, नहीं तो ऐसे जब एज होती है ना तो लोग बिस्तर पे पड़ जाते हैं, लेकिन ये चलती हैं, पंप छूट गया, बाबा से मिलने आई हैं, ये तो कितनी बड़ी बात है। बड़ा अच्छा लगा मुझे मिलके, और दरबार में आप लोग जल्द जल्द पहुँचे, दरबार के नियम का पालन करिए, अपने पितर को पूर्वजों को मौके दिलाओ और अच्छे हो जाओ, ठीक है। जय बाबा की, जय करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव।